हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ इस तरह का बैनर कैसे बनाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना। इसके बाद अब आप लोगों को इमेज साइज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब चैनल बैनर के ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को ओके कर देना है। इसके बाद आप लोगों को न्यू टेक्स्ट को आप लोगों को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आप लोगों को प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आप लोगों को इस तरह का फॉन्ट को यहाँ पर सेव कर लेना है। इसके बाद अब आप लोगों को इस तरह से कुछ इस तरह से फिट कर लेना है। फिट करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। प्लस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करने के बाद स्पेस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ राइट साइड में आने के बाद अब आप लोगों को कुछ इस तरह के कलर को आप लोगों को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इसे नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को स्पेस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आप लोगों को इसके रेडियस को आप लोगों को 25 कर लेना है। 25 क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके इसे कुछ इस प्रकार से कर लेना है। करने के बाद अब आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसे इनेबल करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ से ब्लैक कलर को आप लोगों को चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे ओपेसिटी को आप लोगों को यहाँ पर इसे 65 कर लेना है। कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब आप लोगों को इसे कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब आप लोगों को इसे कॉपी करके कुछ इस प्रकार से इसे भी एडजस्ट कर लेंगे। इस प्रकार से एडजस्ट करने के बाद अब आप लोगों को फिर से आप लोगों को प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसके बाद आप लोगों को स्पेस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे भी आप लोगों को यहाँ पर 25 कर लेना है। 25 क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को प्लस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों को इस कलर को बना लेना है। बना लेने के बाद अब आप लोगों को इसे ऐसे कर लेना है, कुछ इस प्रकार से सेव कर लेना है। इसे सेव करने के बाद अब आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को इसे कुछ इस प्रकार से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर से आप लोगों को प्लस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को स्पेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसके भी रेडियस को आप लोगों को 25 कर देना है। 25 करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को इसे प्लस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को करके कलर को बना लेना है। कलर को बनाने के लिए आप लोगों को येलो करना है। इसके बाद रेड वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके ज़्यादा रेड आप लोगों को नहीं करना है, हल्का वाला रेड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर लेना है आप लोगों को। इसे करने के बाद अब आप लोगों को इसे इस प्रकार करना है और इसे इस प्रकार, कुछ इस प्रकार करने के बाद अब आप लोगों का ये बन के तैयार है। इसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोगों को सेव कर लेना है। इसके बाद इसे कॉपी कर लेना है, इसे कुछ इस प्रकार से हमें लगा लेना है। इसे इस प्रकार से सेट करने के बाद आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को इसके नीचे कर लेना है। नीचे करने के बाद अब आप लोगों को कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार है। इसके बाद अब आप लोगों को इसे ये थोड़ा सा ज़्यादा मालूम दे रहा है, इसलिए हम लोगों को इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है। ओपेसिटी को आप लोगों को कुछ इस प्रकार से कर लेना है। ओपेसिटी को इतना कम करने के बाद अब आप लोगों को प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर इसे
सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आप लोगों को गैलरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है। गैलरी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को जाने के बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार से आप लोगों को अपने इमेज को यहाँ पे सेट कर लेना है, जैसे कि मैं इस प्रकार से इसे सेट कर ले रहा हूँ। इसके बाद अब आप लोगों को इसे इस इमेज को आप लोगों को इसके नीचे लाना है, इसे भी आप लोगों को इसे इसके नीचे ले लेना है, इसे आप लोगों को इन सभी को आप लोगों को लॉक कर देना है। इसे आप लोगों को कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा छोटा करके लगा लेना है, क्योंकि आपके YouTube बैनर में ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से दिखेगा। आप लोग प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल बना लेना। इसे बनाने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे फिर से आप लोगों को गैलरी पे जाना है। गैलरी पे जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को YouTube का आप लोगों को एक लोगो ले लेना है, जैसे कि मैं इस वाले लोगो को ले लेता हूँ। इस वाले लोगो को लेने के बाद अब मैं इस प्रकार से इसे मैं कुछ इस प्रकार से कॉपी कर लेता हूँ। इससे हम लोगों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इन दोनों को हम लोगों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आप लोगों को स्टॉक वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करते हैं, इसे इनेबल कर देना है आप लोगों को। इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को ब्लैक करके इसे कुछ इस प्रकार से कर देना है। इसके बाद अब आप लोगों को शैडो को भी इनेबल कर देना है। शैडो को इनेबल करने के बाद अब आप लोगों को ऑफसेट एक्स को भी 2 पे कर लेना है, ऑफसेट वाई को भी आप लोगों को 2 पे कर लेना है। इसके बाद ये कुछ इस प्रकार से लगेगा, आप लोग थोड़ा अच्छे से बना लेना। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा आप लोग प्रोफेशनल तरीके से अपना सेट कर लेना है। इसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर टेक्स वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को चैनल का पहला नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है, जैसे कि मैं ऑफिशियल लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को इस वाले फॉन्ट को चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे स्टॉक वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को इसे ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करने के बाद इसे थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद अब आप लोगों को शैडो वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को इनेबल यहाँ पे आउटर ग्लो को आप लोगों को इनेबल कर देना है। इसे ब्लर रेडियस को थोड़ा सा कम कर लेना है, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अब आप लोगों को ऑफसेट एक्स को 3 पे कर लेना है और ऑफसेट वाई को भी 3 पे कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को क्लिक कर देना। इसके बाद अब आप लोगों को इनर वाले शैडो पे भी आप लोगों को क्लिक कर देना, इसे आप लोगों को यहाँ से वाइट कर लेना है। आप लोगों का ये कुछ इस प्रकार से बनके तैयार हो गया। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे आना है, यहाँ पे कॉपी वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर आपका दूसरा नाम लिख लेना है यहाँ पर। इसके बाद आप लोग इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। आप लोग यहाँ से मैं जैसे कि कुछ इस प्रकार से मैं इसे कर ले रहा हूँ। इसे करने के बाद अब आप लोगों को फिर से आप लोगों को ओके कर देना। ओके करने के बाद आप लोगों को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे एडिट करना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टीच। इसके बाद अब आप लोगों को इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद मैं इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन दोनों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर लेना है। अब इसके बाद अब आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इसे सेट कर लेना है। इसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब आप लोग जिस रिलेटेड वीडियो बनाते हैं उस रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ यूट्यूब टिप्स ऑनलाइन अर्निंग अनबॉक्सिंग रिव्यू। यहाँ पर आप लोगों को ऐसे लिख लेना है। इसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पे बीच बीच में बार लगा देना है। इसके बाद अब आप लोगों को यहाँ पे ओके कर लेना है। इसके साइज़ को आप लोगों को थोड़ा सा छोटा कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ में देखने में आप लोगों को छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये आप लोगों के यूट्यूब बैनर में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखेगा। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आप लोगों को इस वाले फॉन्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को बी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। और ये अब आप लोगों का YouTube बैनर अब बन के आप लोगों को तैयार है। कुछ इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए राधे राधे।